एवरीवन, आज हम लोग जो बना रहे हैं वीगन कंडेंस्ड मिल्क बना रहे हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडक्शन स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, और उसमें जो है वाटर डाला हुआ है, और इसके बाद सोया मिल्क, और ये हमारा है कोकोनट ऑयल, और ये शुगर कैस्टर शुगर डाला है, और ये हमने लास्ट में जो डाला हुआ है वो लिक्विड ग्लूकोज है। ये ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आपको डालना है तो अप्रॉक्सीमेटली पूरी रेसिपी में 10 ग्राम डालना पड़ेगा। अब इसको अच्छे से कुक करना है। एक थोड़ा सा गर्म हो जाता है, हम लोग इसमें थोड़ा सा 1 ग्राम सॉल्ट हम इसमें डाल देंगे। सॉल्ट बेसिकली टेस्ट लाता है, स्टेबिलिटी देता है प्रोडक्ट को। ये भी ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम लोग जो है सोया मिल्क पाउडर डालेंगे, और इसको गैस को फ्लेम को स्लो करके इसको हम लोग कुक करेंगे। देखिए अब हमारा जो है, हमने सोया मिल्क पाउडर डाला, उसके बाद ये थिकनिंग स्टार्ट हो गया इसका। बेसिकली ये एक टाइप का लाइक कंडेंस मिल्क बनेगा, थिकनिंग कंसिस्टेंसी का। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, स्टफिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और थिक कर लेंगे तो स्टफिंग के लिए यूज़ हो सकता है, अदरवाइज़ आप इसको दूसरे लाइक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी, लाइक किसी को स्वीट्स बनाना है या कुछ बनाना है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए पूरा थिक हो गया, स्लोली स्लोली कुक होने दीजिए और इसको थिक होने दीजिए। आपको इसको स्लो पे ही कुक करना है, और जैसे ये थिक हो जाता है तो भी आप इसको कुक करते रहिए, बिकॉज आपको जो हमारा कंडेंस मिल्क होता है वो बेसिकली थोड़ा थिक होता है। तो कलर हमको बिल्कुल जो सैंड का कलर होता है ना कंडेंस मिल्क का, वही कलर हमको मिल रहा है। ध्यान रखिएगा कि आपको नीचे इसको स्टिक नहीं करना है, पैन में बॉटम में स्टिक कर सके तो कंटिन्यू स्टरिंग ज़रूरी है इसमें। इसको आपको और कुक करना है, बिकॉज कंडेंस मिल्क जो है जनरली थिक होता है। तो हम इसको और कुक करेंगे, स्लो पे करते रहिए और सेंटर में देखे रहिए कि अपना नीचे स्टिक ना करें। चलिए हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो हमारा रेडी हो गया है। चलिए हम इसको अब इसमें डाल देते हैं, स्टेन कर लेते हैं। स्टेन करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज सोया जो मिल्क पाउडर है उसके कभी कभी लम्प्स जो हैं वो रह जाते हैं, तो इसलिए हमको स्टेन करना ज़रूरी है। पूरा का पूरा हमने डाल के स्टेन कर लेना है। चलिए ये हमारा जो है वीगन कंडेंस मिल्क रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसको ठंडा करने के बाद वीगन चॉकलेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट्स बनाने के लिए भी, और भी अदर यूसेज हैं जो वीगन प्रोडक्ट्स में आप लोग फिलिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, केक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।